हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं पर हुई चर्चा, विकास को लेकर मंथन। श्री मारू प्रजापत समाज छात्रावास की आम बैठक आयोजित। नागानी में श्री मारू प्रजापत समाज छात्रावास की आम बैठक रविवार को जिला मुख्यालय के अनादरा चौराहा स्थित समाज के छात्रावास में अध्यक्ष कसनाराम मकावल की अध्यक्षता में हुई। बैठक सत्र 2022 में छात्रावास में लेने वाले नवीन प्रवेश छात्रों को लेकर चर्चा की गई। बैठक का शुभारंभ माँ सरिया देवी की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद में छात्रावास अध्यक्ष कसनाराम बैठक में मौजूद सभी समाज बंधुओं को छात्रावास में सहयोग करने की अपील की। इसके बाद में आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। वहीं छात्रावास में नवीन प्रवेश लेने वाले छात्रों की सुविधा समेत अन्य मूलभूत विषयों पर चर्चा कर हाथों हाथ समाधान किया गया। बैठक में भामाशाहों की ओर से विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, पंखे समेत अन्य सुख सुविधाओं के लिए घोषणा की गई। छात्रावास में सहयोग करने वाले भामाशाहों का एक सम्मान समारोह आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। भरत कुमार प्रजापत ने बताया कि छात्रावास विकास के लिए खेल सामग्री देने की भी भामाशाह ने घोषणा की। वहीं बैठक में समाज को संगठित होकर क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिक जोर देकर छात्रावास विकास में सहयोग देने की अपील की। साथ ही बैठक में छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए भोजन के लिए भामाशाह तैयार कर नाम लिखने पर चर्चा की गई। इस दौरान शंकरलाल सिरोही, जीवाराम आर्य, छोगालाल पद्माराम, भेराराम, मंचाराम, मुकेश कुमार एडवोकेट, प्रकेश कुमार नवाखेड़ा, कालूराम रामपुरा, मानकचंद एडवोकेट, नारायण लाल कुमावत, बाबूलाल नयाखेड़ा, मफतलाल अमृतलाल, अमराराम बरलूट, प्रकाश कुमार डायाराम बदाराम, छगनलाल आदि मौजूद थे। जागरूक टीवी के लिए नागानी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।